रामायण चैनल बुद्धिस्ट भारत टीवी। और आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ लेकर के आया हूँ। और इस न्यूज़ में अब मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि बीजेपी जो सरकार है वो चुनाव कैसे जीतती है। तो बीजेपी सरकार जो है चुनाव ईवीएम की गड़बड़ी से जीतती है। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ईवीएम की गड़बड़ी से बीजेपी जो सरकार है वो कैसे चुनाव जीतती है मैं आपको ये लास्ट तक समझा दूंगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। शायद ये न्यूज़ जो है आज तक आपको किसी भी चैनल ने दी हो, इसलिए देखिएगा। दरअसल मैं आपको अभी एक वीडियो जारी करूँगा, वो वीडियो देखिएगा। ये जो वीडियो है इसको देखो आप, ये जो वीडियो है इसमें ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को कि आप किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन वोट जा रहा है आपका बीजेपी का, बीजेपी को ही जा रहा है आपका वोट। आप किसी बीएसपी या कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी या आजाद समाज पार्टी जिसको भी आप वोट देंगे, आप बटन दबाइए, आपका वोट जा रहा है बीजेपी को। मतलब कोई मतलब ही नहीं वोट देने से, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूरी पूरी। मतलब जो वोट का अधिकार दिया है बाबा साहब ने सबको, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाओ और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। प्लीज़ ईवीएम जो है बहुत बुरी, जब तक ईवीएम रहेगी शायद ही बीजेपी सरकार को कोई हरा पाएगा। चलो जनादेश किसी और का होता है, सरकार कोई और बना बना के ले जाता है। मतलब जनादेश किसी का हो, वोट किसी को दें, लेकिन सरकार बीजेपी की बन जाती है लास्ट में। वो यही कारण है कि ईवीएम जो है ये लोग गड़बड़ करवा देते हैं पहले से ही। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ सभी बहुजन संगठनों से, ताकि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इनकी सच्चाई पता चल सके। प्लीज़, तो ईवीएम जो है 20 लाख ईवीएम उस टाइम पर भी चेंज करवाई थी, जिस टाइम पे केंद्र का जो चुनाव होता है उस टाइम पे भी 20 लाख ईवीएम में जो है गड़बड़ी करवाई थी। ये न्यूज़ जो है फेक नहीं है, मैं पूरा न्यूज़ को पहले सर्च करता हूँ, इसके बाद आपके लिए कोई न्यूज़ लेकर के आता हूँ। और ये न्यूज़ आपको कोई एबीपी वाले या आज तक वाले तो बताएंगे नहीं, ना कोई और न्यूज़ चैनल बताएगा, क्योंकि हमारा तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। इसलिए हम खुद ही एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ मैं। आज छोटा ज़रूर है लेकिन कल से बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मेरा साथ दें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लीज़, जय भीम, नमो बुद्धाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।